अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं मिस्टर मोहम्मद उमर गौतम की बेटी हूँ। मैंने एक बयान दिया था और इस बयान के बाद बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या जमियत आपके साथ नहीं है। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जमियत डे वन से हमारे साथ है और मैंने कभी डाउट नहीं किया कि जमियत हमारे साथ नहीं है। लेकिन जब मेरा भाई अरेस्ट हुआ था उसके बाद सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई थी और हम लोग डिप्रेस डिस्टर्ब हो गए थे। उसके बाद लगा कि कोई भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा था वो बहुत चैलेंजिंग था। जब हम लॉयर्स को कॉल करते थे तो लॉयर्स फ़ोन नहीं उठाते थे, लॉयर्स अपडेट नहीं देते थे। हम लोग कभी ऑफिस जा रहे हैं, कभी जेल जा रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं था। उस वक्त लगा कि हम लोग अकेले हैं, लगा कि हम लोग टूट रहे हैं, हम लोग का कोई भी नहीं है जो हमें असिस्ट कर सके। जब मैं दिल्ली आई तब मैंने हकीमुद्दीन अंकल को कॉल किया और मैंने कहा कि मुझे आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं है या हमारे साथ नहीं है या हमारे केस को नहीं देख रहा है। तब अंकल हमारे घर आए थे और अंकल से हमने फ्रैंकली बात किया जो भी हमारे डाउट्स थे। और अंकल से मैंने कहा कि उस वक्त सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट था और हमारे साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से लगा कि हमारे साथ कोई भी नहीं है। अंकल ने कहा कि जमियत हमारे साथ है 24/7 और मिसकम्युनिकेशन की वजह से डाउट्स क्रिएट हो गए थे, क्योंकि मेरी कभी बात नहीं हुई थी हकीमुद्दीन अंकल से, क्योंकि मेरा भाई हकीमुद्दीन अंकल के टच में था और डिस्कशन और डिसीजंस अब्दुल्ला ही डिस्कस करता था हकीमुद्दीन अंकल से और जो दूसरे लोग हैं जमियत में उनसे। तो मेरा उतनी कम्युनिकेशन नहीं थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन के वजह से मुझे कुछ बातों के बारे में पता भी नहीं था जो मुझे बाद में पता चली। जैसे अंकल इलाहाबाद भी गए थे, लखनऊ भी गए थे, वडोदरा भी गए थे और रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंकल ने एंटी कन्वर्जन लॉ के अगेंस्ट पटिशन भी सबमिट किया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मुझे अंकल से डिस्कशन के बाद पता चला और अंकल ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे डाउट्स को क्लैरिफाई किया। और अंकल ने ये भी कहा कि जमियत हमारे साथ है 24/7। तो अंकल की बातों से लगा कि मैं गलत सोच रही थी कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन अब मुझे यकीन है और मुझे तसल्ली भी है कि हमारे